बॉडी बिल्डर का नाम सुनते ही जहन में आता है भारी भरकम और सुडौल शरीर, मजबूत कद काठी और भारी एक्सरसाइज करने वाले लोगों की तस्वीरें। लेकिन आज हम जिन बॉडी बिल्डर के बारे में आपको बता रहे हैं उनका शरीर सुडौल है। उनका शरीर भी मजबूत है लेकिन उनकी कद काठी देखकर आप उन्हें महज बच्चा ही कहेंगे। लेकिन इन्हें देखने के बाद बच्चा समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भारतीय बॉडी बिल्डर प्रतीक विट्ठल मोहिते ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर इसे चरितार्थ कर दिया है। मोहिते ने दुनिया में सबसे छोटे बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि प्रतीक के माता पिता को डॉक्टर्स ने उनके बचपन में ही बता दिया था कि वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कहीं जाने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत होगी। महज 3 फीट और 4 इंच के प्रतीक ने अपने मामा को देखकर वर्कआउट शुरू किया था। शुरू में लोग ताने मारते थे लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ और अब उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कहते हैं ना, बंदे की बॉडी ही बताती है कि वो क्या चीज है। इन जनाब का नाम है विंस ब्रास्को, उम्र 27 वर्ष है, लेकिन कारनामा बहुत बड़ा किया है। इनका नाम दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। पेंसिल्वेनिया के रहने वाले विंस 8 सालों से जिम में पसीना बहा रहे हैं और कड़ी मेहनत के बाद उनका शरीर उनकी पहचान बन चुका है। विंस को चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। इंस्टाग्राम पर वो अपनी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उनके इंस्टा पर 39,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उनकी हाइट 4 फीट 1 इंच है। वो बचपन से ही एकोंड्रोप्लासिया नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें इंसान का कद छोटा रह जाता है। आदित्य देव उर्फ रोमियो को दुनिया सबसे छोटे बॉडी बिल्डर के रूप में जानती है। भारत में जलंधर के रहने वाले रोमियो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी है। साल 2006 में रोमियो का नाम दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। रोमियो ने देश विदेश के कई टीवी चैनलों पर अपने डांस और बॉडी बिल्डिंग प्रतिभा का लोहा मनवाया था। रोमियो की जिंदगी पर ब्रिटेन में फिल्म भी बन चुकी है। 2012 में ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई थी।